हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के ऊपर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किस में डिफाइन हुआ है? सेक्शन 7 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को हमने डिफाइन करा है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है क्या? जब दो पार्टीज़ आपस में ये डिसाइड करते हैं कि अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट हुआ या फिर जो डिस्प्यूट हो चुका है उसको सॉल्व वो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस से करेंगे। आर्बिट्रेशन आपको याद है, मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया होगा, बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का एक फॉर्म है, कोर्ट से बाहर सुलझाने का एक फॉर्म है। चलिए अब इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट विच हैव अराइजन और विच मे अराइज बिटवीन देम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉट। अब चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो ए है, बी है, ए पार्टी बी पार्टी। अब उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में एक क्लॉज दे रखा है उन्होंने, आर्बिट्रेशन क्लॉज। अब आगे चल के उनके बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो वो कैसे उसे सॉल्व करेंगे? वो सॉल्व करेंगे आर्बिट्रेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डालकर कि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो किससे सॉल्व होगी? आर्बिट्रेशन से। तो अब ये किस चीज़ से सॉल्व करेंगे अपनी ये प्रॉब्लम? आर्बिट्रेशन से। अब इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। फर्स्ट पॉइंट है एसेंशियल फीचर्स का, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एक क्लॉज भी दिया जा सकता है जो आर्बिट्रेशन को बताए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो ये जो कुछ भी एग्रीमेंट है ये अगर ये आगे चल के सही से नहीं हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो उसका आर्बिट्रेशन क्लॉज का अलग से एक सेपरेट एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं। एंड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ अ सेपरेट एग्रीमेंट। सेकेंड, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को राइटिंग में होना चाहिए। अब वो राइटिंग कैसे हो सकती है? चाहे तो वो एक्सचेंज ऑफ लेटर, टेलेक्स, टेलीग्राम, मतलब किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके से लेटर, टेली, जो भी हो लिखा हुआ, बस वो एक प्रूफ होना चाहिए, एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उनके बीच में कभी कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। फोर्थ, इट मस्ट हैव ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एग्रीमेंट। उसके अंदर वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक वैलिड एग्रीमेंट के अंदर होते हैं। मतलब कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, उसका दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जितने भी वैलिड एग्रीमेंट के पॉइंट्स हैं, ये तो हो गए हमारे एसेंशियल फीचर्स ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब हम पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, काइंड्स क्या हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के। दो टाइप्स हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज, समिशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या? जो फ्यूचर डिस्प्यूट, जो आगे के डिस्प्यूट के लिए क्लॉज डाले जाते हैं, जो छोटे होते हैं, छोटे 3-4 लाइनों के क्लॉज होते हैं ये, कि उसमें बता दिया जाता है कि अगर इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हुआ तो आर्बिट्रेशन के थ्रू वो सॉल्व हो जाएगा। प्रोवाइडेड क्लॉज इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट, जो उनका मेन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसी में एक छोटा सा क्लॉज डाल देते हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज। सबमिशन एग्रीमेंट, डिस्प्यूट विच हैव ऑलरेडी अराइजन, उनका पहले से ही कोई डिस्प्यूट हो रखा है। डिटेल एंड स्पेसिफिक सेटिंग आउट द एग्जैक्ट डिस्प्यूट, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज आपस में बैठती हैं कि वो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस लेंगी आफ्टर डिस्प्यूट अराइजन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फ्यूचर के डिस्प्यूट के लिए डाला जाता है सबमिशन एग्रीमेंट, जो डिस्प्यूट ऑलरेडी अराइज हो चुका है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। यहीं पर होती है हमारी ये पार्ट 2 क्लोज। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, और अगर आपको किसी चीज़ के नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे मेल करके बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर डाउट है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू।